नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। विदिशा में लॉकडाउन के कारण लंबे समय से गरीब मजदूर परिवार के साथ रोजी रोटी का संकट, जिसके चलते दिहाड़ी मजदूरों के लिए अनादि फाउंडेशन करीब एक दर्जन युवक साथी स्वयं के हाथों से खाना बनाते हैं और करीब 150 पैकेट भोजन पैक करके गरीब मजदूरों के घर खाना पहुंचाने का कार्य विगत दिनों से कर रहे हैं। मुख्य रूप से राहुल राठौर, कन्हैयालाल साहू, महेंद्र धाकड़, घनश्याम आदि यह पुनीत कार्य कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर जो लॉकडाउन में लोग फंसे हुए हैं, उनकी मदद के लिए आप लोग कौन सा ग्रुप है और कितने लोग प्रतिदिन ये कार्य कर रहे हैं? हमारा फाउंडेशन अनादि फाउंडेशन है जी। हम लोग 15 से 20 लोग डेली यहाँ पे काम करते हैं और 29 तारीख से डेली यहाँ पे चल रहा है और 100 150 200 पैकेट रोज बनाते हैं। तो ये पैकेट जो किन के पास पहुँचाते हैं? किन जो असहाय लोग हैं, बिल्कुल ही मजदूर वर्ग है जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं कुछ, यहाँ अपने पूरनपुरा में है ना, बाईपास पर कुछ लोग निकलते हैं, तो उन लोगों को हमने बोल रखा है आसपास जो रहते हैं वो हम कुछ कांटेक्ट कर लेते हैं, हम लोग उन तक खाना पहुंचा देते हैं। धन्यवाद। माजी जी, क्या उद्देश्य है आपका, ये कार्य कर रहे हैं आप? सर, जब से मतलब कि देखा है कि लॉकडाउन में मतलब कि जो मजदूर वर्ग सब चीज़ों का काम वगैरह बंद हो गया है, उन लोगों के लिए हम भोजन यहाँ पर प्राप्त करा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बेसहारा लोग हैं, इनके लिए भोजन काफ़ी दिक्कत हो रही है, उनके लिए पड़े हम 100-200 पैकेट उनको दे रहे हैं। ये एक ही टाइम रहता है कि सुबह शाम दोनों एक ही टाइम कर पाते हैं हम लोग? खबर समय जगत के लिए विदिशा से पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट।